क्यारी बनाई हुई, गार्डन टाइप उन लोगों ने बनाया हुआ देखो घर के पास, करती थी सारे कोने खुदों से मिट्टी निकलती थी, लेकिन आज जो है वो दोबारा जो है वो हवा चली है ना, सारा दिन में मिट्टी धूल खुला आसमान है तो हवा चली है तो वो दोबारा जो है वो ऐसा लग रहा है कि साफ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत साफ है। चलो भाई आपका भाई जो है वो कामयाब हो गया है सक्सेसफुली। ये अब महंगे हो गए पहले मैं पता। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी कैसी नहीं है भाई, देख लो लाइट गई हुई है और हमारी घड़ी जो है वो ख़राब हो चुकी, तो इस वजह हमने घड़ी जो है वो निकाल दी थी। अभी कैसी नहीं है कि 9:10 हो रहे हैं, बस मैंने कहा मुंह धो और जाके सामान लेकर आओ। तो पापा वगैरह सब सो रहे हैं, अम्मी उठी हुई, वो नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही है, तो मैंने कहा चलो यार नाश्ता लेकर आते हैं, अंडे डबल रोटी लेकर आते हैं। और आज है मंडे और 2 दिन बाद जो है वो रमज़ान शुरू हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। और बुध वाले दिन जो है वो हम पहली तरावी पढ़ाएंगे, बुध वाले दिन जो है वो हम पहली तरावी पढ़ाएंगे। आज है मंडे, ट्यूसडे वेडनेसडे को पहली तरावी और थर्सडे को जो है वो रोज़ा होगा, ठीक है। तो मैंने कहा यार तैयार वैयार होते हैं, जाके जो है वो अपना नाश्ता लेके आते हैं, उसके बाद जो फिर हम सारा दिन में करेंगे। आज जो है ये जो होल्डर आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर छत के, ये सब चीज़ें लगानी हैं, ये वाले होल्डर जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले होल्डर जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब होल्डर जो हैं, चार होल्डर जो है वो मैं लेके आ गया था, चार होल्डर जो है वो लेके आ गया था बाहर से। आज वो चारों होल्डर जो है वो मैंने वासे को बोला था कि वासे भाई तू आज लगा दे, लेकिन वो भाई साहब जो है नखरेन के शॉप पर होता है, वो दुकान पर होता है, तो फारिग होता नहीं है, तो उस वजह से जो है वो आया भी नहीं। तो मैंने कहा यार कल का बोला वो सुना, कल आया ना परसों आया, आज मंडे है, परसों कल मंगल, फिर परसों जो है वो बुध जाएगा, फिर हमको तैयारी भी करनी तरावी की, ऊपर फिर हमारे को बल्ब भी चाहिए ना। तो मैंने कहा यार मुँह धो तैयार हो यार, नाश्ता वाश्ता करो, नाश्ता वाश्ता करके खुद ही लगा के देखेंगे आज ना जो होल्डर है, अगर हमसे लग जाते तो फिर वेल एंड गुड, नहीं तो फिर देखेंगे वासे को बोलेंगे भाई हमसे नहीं लगा तो कुछ ले जाके लगा। और छत का जो तार है वो भी, छत की जो आपने बाथरूम देखा है, बाथरूम से यहाँ से बाथरूम से लेके वहाँ तक के जो है एक होल्डर आएगा बाथरूम की दीवार पर छत पर, तो वो जो होल्डर जो सेवर यहाँ लगेगा, तो यहाँ हम नीचे ज़मीन पर तरावी पढ़ा रहे होंगे, तो जो हमें कुरान शरीफ देखने में मसला नहीं होगा, नज़र सही से आएगा, ठीक है जी। तो अभी बाहर चलते हैं नाश्ता लेके आते हैं। तो यार आज आपके भाई ने काला सूट पहना था और सुबह उठ के तो मैंने कहा काला सूट पहन के जो है वो आज नाश्ता लेने जाते हैं। तो ये हमारी गली आ गई बेसिकली, उसके बाद जो है ये हमारे पार्क के पास जो है ये MQM का दफ्तर है, म्यूनसिपल ऑफिस है, मरकजी ऑफिस है, जहाँ पे आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो है हमारी फेमस गली है थल्ले वाली रोड की, थल्ले वाला रोड आ गया, फिर आपका भाई आ गया, बताओ कैसा लग रहा है आपका भाई काले सूट करना, ठीक है जी। उसके बाद जो है थल्ले वाला रोड क्रॉस करने के बाद जो सामने ही गली आती है, बेसिकली इन लोगों ने जो ये क्यारी बनाई हुई है गार्डन टाइप, उन लोगों ने बनाया हुआ देखो ये घर के पास, वो बनाया हुआ है, वो उगाए हुए हैं, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। उसके बाद जो ये सागर बेकरी आ गई, सागर बेकरी माशाल्लाह बहुत बड़ी है, अंदर से मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था मुझे वीडियो बनाने में। उसके बाद फिर वहाँ से बेसिकली जो है ना हम लोग वहाँ से डबोटी और अंडे लेके आते हैं, क्योंकि उनकी डबोटी जो है ताज़ी होती है, अच्छी होती, तो स्लाइस बड़ा होता है, तो मैं वहीं से ले जाता हूँ। तो बेसिकली ये रोड जो है वो थल्ले वाले रोड के नाम से मशहूर है, यहाँ पे सीमेंट वगैरह सब मिलती है। उसके बाद जो है आपका भाई घर पर आ जाता है अंडे डबल रोटी बन लेके, उसके बाद घर पर आ जाता हूँ, उसके बाद बाय बाय। देखो ये जो छत जो है वो हमने कल साफ़ करी थी, कल आपने मिनी व्लॉग में देखा था कि हमने जो है छत साफ़ करती थी, सारे कोने खुदों से मिट्टी निकलती थी, लेकिन आज जो है वो दोबारा जो है वो हवा चली है ना, सारा दिन में मिट्टी धूल खुला आसमान है तो हवा चली है तो वो दोबारा जो है वो ऐसा लग रहा है कि साफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत साफ़ है। अब ये कि मंगल वाले दिन बुध वाले दिन जब तरावी होगी तो ऊपर से बस एक हाथ झाड़ू का मार के फिर दरिया बिछा देंगे। गॉड ये लग गया, बस ये एक से एक तार लगाया हुआ, 2 तार जो है वो उसमें जॉइन हो सकते हैं, देखो उस वाले में जो है ना वो 2 तार जो है वो जॉइन हुए हैं, लेकिन मैंने कहा यार एक से भी तो पावर आएगी ना, कम से कम एक से भी तो बिजली आएगी ना, मैंने कहा चलो इतनी मुश्किल से तो काटा, काट काट के मैंने साला आधा कर दिया, मैंने कहा चलो एक से लगा के देखते हैं अभी लाइट आ जाए, तो फिर इसको कनेक्शन तो मैंने कर दिया, लाइट आके फिर बल्ब लगा के देखूंगा कि जल नहीं जला, ठीक है जी। अभी इसको जो है वो अंदर लगाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला भी हो चुका है डन, और ये वाला तो मैंने जो है वो ऊपर लगा दिया, बस इसका जो है बस वो कवर लगाना है, बाकी देखिए कवर जो है वो ये रखे हुए तीनों के, ठीक है जी। इसको मैं नहीं निकाला क्योंकि इसको देखता हूँ ये लगा हुआ तो है बस, लेकिन ये ना पावर नहीं फेंक रहा था, अब से वाले आगे देखेंगे कि इसमें रोशनी आ रही नहीं आ रही। बाकी जो चन्नू चाचा जो है ना वो तो ऐसे एक्सपर्ट हैं इस काम में, क्योंकि उन्होंने सारी बिजली की जो भी वायरिंग है, ये बोर्ड वगैरह जितने भी सारे बोर्ड वगैरह जो सब हमारे पूरे घर की जो भी छत की वायरिंग जो भी है सब चन्नू चाचा ने करी है, 10 साल पहले की वायरिंग हुई है, उन्हीं के तार जो अभी तक लगे हुए हैं, वो इस काम में वो ऐसे एक्सपर्ट है, वो कभी आएंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगा उनको।
भाई आज तक आयशा की गर्दन में मैंने तो बिठा दिया है। डर डर के हंस रही है। डर भी लग रहा है, ऐसे भी नहीं। ये देखो अभी तो वो डरे ही कैसे, ये देखो। ऐसा ये करने में तोतों को बिठा दिया। आयशा और तोतों की दोस्ती हो गई है ना, दोस्ती हो गई ना, ये दोस्त है ना आपका। देखो भाई जो है मैंने इतना मोटा जो है वो तार लगा के इसमें डबल जो कनेक्शन था उसमें ज्वाइन करके टेप लगा के फिर लगाया है। अब भी अगर नहीं देना तो समझो मैं बेकार आदमी हूँ। मुझे जो है वो इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं आता। इसमें तो बस कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, इसमें जो एक तार निकला था बस वो तार इसमें ज्वाइन करके बस मैं लगा लिया। अब इसमें ये ना कि डबल तार जो है वो ऊपर से आ रहा है, सिंगल तार नहीं आ रहा। तो इसमें चंदू चाचू ने या पता नहीं वासी ने क्या सीन करा हुआ है कि उस तार को बीच में से काट के उसमें से एक ज्वाइन करके फिर एक तार पतला सा निकाला हुआ है। तो उस तार के लिए मुझे इतना पंगेबाजी करनी पड़ी, ये लेके आना पड़ा, इसमें से जोड़ के फिर उसको मैंने लगाया। इतनी पंगेबाजी, दिमाग ख़राब हुई। अगर अब भी नहीं चलाना इतना टाइट करके और उतना घुसा घुसा के छील छील के तार लगाया, लेकिन अब भी अगर नहीं चलाना तो समझो मैं बेकार आदमी हूँ इलेक्ट्रिशियन के लिए। नहीं हो रहा भाई मुझसे काम, इतनी मुश्किल से वो नीचे वाला सेवर ड्राइंग रूम में लगाया वो भी नहीं चला डबल तार लगा के। इसमें भी अगर कुछ नहीं होता समझो फिर वास ही करेगा आके। मैं चाहता वहाँ से नहीं आ रहा चलो भाई, जितनी मेरी मुझसे कोशिश हो रही हो जाता, लेकिन अब लाइट आने की देर है, 10 मिनट बाद लाइट आती है फिर मैं आपको जला के दिखाता हूँ। ये तो जला के दिखा दिया था, इसमें जला के देखेंगे, अगर जल के तो फिर तो खुशी हो जाएगी। सीढ़ी जो है वो मैंने यहाँ लगा दी क्योंकि ये वाला जो है वो होल्डर लगाना है, वो रखा हुआ होल्डर सामने सीढ़ी लगा दिए। अब देखो कोशिश करके कि जो है ना वाला होल्डर भी लग जाए। और चीकू भाई साहब जो है ना दरवाज़ा मैंने खोला हुआ था चीकू का, चीकू भाई साहब नीचे टैंक पर जाके बैठ गए। क्योंकि ना अब इसको चलना आगे तो ये सीढ़ियों से उतर उतर के ना नीचे चले जाते हैं। तो अभी लेकर आया हूँ, मैंने कहा चीकू अभी तुम बंद रहो, अभी तुम्हारे को मैं नहीं खोल रहा। आज के ब्लॉग का सीन है, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने सारे जो है वो होल्डर लगाए हैं, ठीक है जी, ये वाले भी। आज जो है ना वो वासे को 2 दिन से बोला हुआ है, उमर भाई ने हफ्ते से बोला हुआ, लेकिन वो कल भी नहीं आया। लाट साहब बिजी थे कि वो दुकान पे होता है, शॉप पे होता है, तो जाहिर सी बात है दुकान शॉप छोड़ के नहीं आ सकता। तो मैंने कहा यार मैं कोशिश करता हूँ, ज़्यादा मुश्किल कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ। अगर मुझसे लग गए और पावर आ गया, सेवर चल गया तो फिर वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर बुला लेंगे उसको। लेकिन मैंने कहा कोशिश करते हैं, अभी वाला लगाते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पोपट हो गया है हमारे को जो है ना, जो मैंने बताया था आपको कि मैंने एक तार जो जॉइन किया, एक तार से पावर आती है या नहीं आती। तो मैंने एक तार जो जॉइन किया था उससे जो है वो पावर नहीं आ रही। उसमें देखो 2 तार लगे हुए, लेकिन उसमें मैंने सेवर लगा के बल्ब लगा के देखा था तो 2 तार से ही जो है वो पावर आएगी। तो अब ये करना पड़ेगा दोबारा खोल के दूसरा जो काला तार जो नहीं जॉइन किया था वो जॉइन करके फिर लगाना पड़ेगा। अब नीचे वाले जो मैंने नीचे सेवर लगाए हैं ड्राइंग रूम में उस पर लगा के देखता हूँ उस पर पावर आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि एक से तो इसमें नहीं आ रही, क्योंकि 2 लगेंगे तो 2 ही से ही आएगी। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। भाई चलो भाई आपका भाई जो है वो कामयाब हो गया है, सक्सेसफुली लगा दिया है। ये वाला भी जल रहा है और वो वाला भी जल रहा है, इतनी मेहनत के बाद दिमाग ख़राब। तो ये वाले में तो बस मैंने सिर्फ एक ही तार लगा दिया जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेकिन इसका पंखा हुआ था ये लगाने के बाद जो है वो जल नहीं रहा था क्योंकि इसमें एक तार लगाया था। लेकिन हमारी जो मेहनत थी इसमें हमने ज्वाइन करके लगाया, इसके अंदर जो हमने ज्वाइन करके लगाया हमारी मेहनत जो है वो रंग ले आई, अल्लाह का शुक्र अलहमदिल्ला के जल गया। अब जो है वो सामने बस एक करेक्शन और करना है, वो रात में वहाँ से तार लेकर आएगा तो जब भी करूँगा, अभी मैंने उससे मांगा था तो उसने दिया नहीं। और 2 मैंने तो लगा दी, एक ये वाला। अब ड्राइंग रूम का भी जाके कुछ ना कुछ करते हैं। और एक ये वाला जो है इसमें मेरा हाथ सही से जा रहा है लेकिन सीढ़ी इतनी ऊपर है फिर भी सही से जा नहीं रहा है, हिलना होना मैं तो कहीं ऐसा ना लगाने के चक्कर में मैं गिर जाऊँ। बस वासे का वेट करते हैं, उसके बाद फिर वहाँ तो दिखाऊँगा क्या सीन है। भाई फाइनली जो है हमारा ये वाला होल्डर भी जो है वो मैंने लगा दिया, वेदर गुड हो गया, जल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी डोरीमोन देख रहे हैं, तातुष देख रही थी डोरीमोन, ये तातुष का है, पोती कर दी तातुष ने, ठीक है जी। अब वासे का वेट करते हैं, वासे आता है तो फिर ऊपर के जो 2 होल्डर रहते हैं वो लगाएंगे, ठीक है जी। अल्लाह करके 3 होल्डर लगा दी, ड्राइंग रूम का भी लगा दिया मैंने, पता नहीं भैया पता नहीं आया ना आया, रात को भी टोपी ने पहना था कि मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा लगा ही दो यार। अभी मुझे बोल दी थी कि खाना खा के चले हो,
मैंने कहा कि मैंने अगर खाना खाया है तो फिर मैं डुलाऊंगा टिल्ली, और मैंने आज का वादा किया मेरे किसी भी हाल में। मैंने कहा चलो भैया नहीं आएगा, मैं भैया को रुका भैया तार दे दो, मुझे बना तो दिया है लगा के, मैं ट्राई करके देखता हूँ अगर लग जाएगा तो अच्छी बात है यार। छोटे काम ना वैसे भी आने चाहिए, लाइट मैंने जब सुबह 11 बजे लाइट गई थी जब भी तो लगाया था मैंने, ये लगा के आया नीचे लाइट आई, मैंने कहा लगाया नहीं चल रहा, अब मैंने कहा ले भाई, मैंने पहले एक तार में ज्वाइन किया, दो दो तार दिए मैंने उसके अंदर, इसमें भी जैसे दो दिए हुए, तो मैंने एक में लगाया, मैंने कहा एक से भी तो कम अज़ कम पावर आएगी ना, लेकिन वो आई नहीं, जला ही नहीं उसके अंदर। मैंने कहा फिर दोबारा दूसरा लगाया, फिर भी नहीं आया, फिर उसको तार को छीला, फिर दोबारा लगाया, आज सही वाली मेहनत हो गई। कितने ये अब महंगे हो गए, पहले मैं 50-50 की लाया था, अभी 80-80 के हो गए। आपका आईफोन तो 3-4 दफ़ा चार्ज करते हो गए आप है ना दिन में? दो दफ़ा तो मस्ट है। आप तो चलाते भी नहीं हो इतना यार। अभी इतना चलाता नहीं हूँ, टाइम मिलता है तो फिर यूज़ करता हूँ। टाइम मिलता क्या है रात को तो लाइट नहीं होती, टाइम मिलता क्या है? रात को टाइम मिलता है खाना खाने के बाद थोड़ा सा यूज़ करने का, अगर दुकान पर ऐसे फ्री होकर बैठ गया उस वक्त तो डेटा पैक ही होता है तो यूज़ कर लिया थोड़ा सा करना, तो अल्लाह सबके मैसेज पढ़ लेता हूँ, सीन कर लेता हूँ, जब सबकी हड्डी रहती है फिर रात को सबको जवाब देना पड़ता है। बिना मैसेज के जवाब दे दिए चलो, कोई थोड़ा बहुत गेम खेल लिया, गाने वाने सुन लिए, चल भाई टाइम निकल गया इसके अंदर, और फिर बंदा लाइट के अंदर आ गया, लाइट आए लाइट आए लाइट आए, अब आप खुद यकीन करो 3 घंटे जा रही है, फिर 1.5 घंटे आ रही है, फिर 3 घंटे जा रही है, फिर 1.5 घंटे आ रही है, अब बंदा 1.5 घंटे में क्या क्या करेगा यार। सही थी उनको चेंज करनी, उसमें कम से कम 2 टाइम लंबे तो मिल रहे थे, लंबे मिल रहे थे, बारिश होने वाली पक्की, अभी हवा ऐसी चल रही थी, वो बिजली भी चमक रही थी, हुई है ना बारिश गुलशन जौहर की तरह। अच्छा हुई है, इसका मतलब वही है तेज बारिश, वो हवा जो ऐसी वैसे चल रही थी तेज, मजा आ जाता बारिश हुई थी वो देखो ना, हमने पूरी छत साफ करी कैसी मट्टी मट्टी हो गई दोबारा, मैं कहा चलो अगर एक दफ़ा बारिश हो जाती है ना छत साफ हो जाती है, बारिश हो जाती है बिल्कुल छत साफ हो जाती है, हवा जो चल रही है वो ठंडक वाली चल रही है, अल्लाह करे बस रमजान ठंडा हो यार, वरना तो हम पिछले साल वाली तरीका अपनाएंगे, गद्दे बिछाएंगे दरी के पास ऊपर ही, चल भाई ऊपर आके लेट गए भाई, यही करना पड़ेगा हमारे को। आसमान में और घर नीचे से ऊपर आई, नीचे और तारा, मैंने दोनों ये चीज दो के लिए बोला, अबे ऊपर से नीचे आई होगी यार, तारा वाला जैसे टूटता है ना, नीचे से ऊपर आई थी बस, यूं हुई एकदम ब्राइट एकदम आसमान में हुई, और घर कुछ सेकंड की बात होगी बस, वो सेकंड था, वो चीज कैप्चर की जाती ना तो बंदा बार बार उसको देख सकता है। वॉइस फाइनली जो है वासे भाई ने जो है ये वाला होटल पर लगा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहरबानी है कि वो आ गए थे, उन्होंने वाला होटल पर लगा दिया है, और छत वाला जो तार लगाना था, बाकी ये दो तो मैंने आपको दिखा दिए थे, ये वाला भी और वो वाला भी जो मैंने आपको दिखा दिया था जो मैंने लगाया था, और भैया ने जो है फाइनली शुक्र है देख लो तार जो मैंने देकर आया था काला वाला उसी में ज्वाइन करके होल्डर लगा के यहाँ पर लगा दिया है। अब मैं सुबह भैया से क्लिप लेके चाबी वाले जो क्लिप होते हैं वो क्लिप लाके वो क्लिप लगा दूंगा, ताकि जो है वो हम मोड़ के जो है तार जब रात में तरावी ख़त्म होने के बाद इसको यहाँ पे लटके नहीं रहने देंगे, अगर लटके रहने तो फिर दोबारा जो है ना वो गल के ख़राब हो जाएगा, फिर दोबारा मैं नया बनवाना पड़ेगा, जैसे अभी नया बनवाया है, तो मैं ये करूँगा चाबी वाले हैंडल ला के वो क्लिप ला के उनको यहाँ पर लटका के फिर सेवर यहाँ पर लटका के जब तक रोशनी हो जाएगी छत में यहाँ पर जब तक तरावी हो रही है पूरे रमज़ान, उसके बाद ईद वाले जब दावत वावत होगी जब तक भी सारा काम इसका है, रोज़ान निकाल के यहाँ पे लगा देंगे, फिर नमाज के बाद निकाल के यहाँ पे मोड़ के यहाँ रख देंगे, ताकि जो धूप से ही बचा रहे और सेफ्टी भी रहे। बस यही आज का छोटा सा व्लॉग था, प्रिपरेशन फॉर रमज़ान एंड ये जितने भी काम थे होल्डर वोल्डर लगाने का, मैंने कहा छोटा सा हम खुद कर रहे थे तो मैंने कहा तरह छोटा सा व्लॉग बना रहे थे। बस आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट व्लॉग में या रिएक्शन वीडियो में या मिनी व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।